आज कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में स्थित नौबस्ता बाईपास पर लंबे समय से जाम की समस्या को देखने के लिए आज आईजी मोहित अग्रवाल चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नौबस्ता चौराहे की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए पुलिस को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। आपको बता दें कि नौबस्ता बाईपास से हमीरपुर और शहर के भीतर प्रवेश कराता है, जिसके चलते बाईपास से दिन भर हजारों की संख्या में छोटे से लेकर बड़े वाहन गुजरते हैं। इसके चलते जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ता है, जिसको देखते हुए उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जाम से निजात दिलाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। आज आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि नौबस्ता चौराहा बड़ा चौराहा है। अभी तक इस चौराहे पर 4 सिपाही जिम्मेदारी संभालते थे, मगर अब 8 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। वहीं अवैध रूप से चौराहे पर बने स्टैंडों को बंद कराया जाएगा। वहीं चौराहे से 100 मीटर दूर ही टेम्पो ऑटो को खड़ा करने की बात कही। साथ ही चौराहे से 100 मीटर तक एक पट्टी बनाई जाएगी, जिस पर यदि कोई वाहन यदि खड़ा होता है उसे सीज कर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी पूरी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी कंट्रोल रूम से होगी। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नौबस्ता चौराया कानपुर का एक प्रमुख चौराया है और यहाँ पर गाड़ियों का लोड बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर 4 ट्रैफिक कांस्टेबल्स रहते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब कल से यहाँ पर 4 की बजाय इसकी डबल संख्या में 8 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार बने रहेंगे एक शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में भी 8 पुलिसकर्मी। इस तरह 16 पुलिसकर्मी इस चौराहे पर नियुक्त रहेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर अवैध रूप से ऑटो खड़े हो जाते हैं, और निर्णय पूर्व में लिया गया था कि 100 मीटर की दूरी तक कोई भी ऑटो स्टैंड खड़ा नहीं होगा, तो ये निर्देश दिए गए हैं कि चौराहे के चारों तरफ 100-100 मीटर पर सफ़ेद लाइन खिंचवा दी जाए, और उस सफ़ेद लाइन से पहले यदि कोई ऑटो खड़ा होगा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, और ऐसे ऑटो संचालक जो होंगे उनके विरुद्ध FIR दर्ज होकर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कंट्रोल रूम के माध्यम से भी यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी और हमारा ITMS के माध्यम से कैमरे लगे हैं, वहाँ से भी चौराहे की निगरानी की जाएगी। वहाँ पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो ये देखेंगे कि यहाँ पर निर्देशों के मुताबिक व्यवस्था बन रही है नहीं बन रही है, जो पुलिसकर्मी नियुक्त हैं वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कोई गाड़ी यहाँ पर खड़ी पाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर हमारे कंट्रोल रूम में के कैमरे उसको रीड कर लेंगे और ऐसी गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, दक्षिण में कई ऐसे चौराहे हैं जिन पर आग की समस्या जाम को लेकर काफी लोगों को दिक्कत होती है, इनके लिए क्या प्रशासन कदम उठाएगा? देखिए, सभी चौराहों को हम लोग प्रायोरिटी पर लिए हैं, जो मुख्य चौराहे हैं यहाँ के। कई स्थानों पर सड़कें टूटी फूटी हैं, तो वहाँ पर जो नगर निगम है, NHI है, PWD है, उनके अधिकारियों से भी हम वार्ता करके कोऑर्डिनेट करके उन सड़कों को ठीक करवा रहे हैं, ताकि जो है ट्रैफिक तेजी से उन चौराहों से निकल पाए। देखिए, पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, और पिछले दिनों में काफ़ी जो लुटेरे हैं उनको पुलिस ने पकड़ा है। कई पुलिस कार्रवाई में पुलिस पर उन्होंने जब गोली चलाई तो उनके भी गोली लगी है। अपराधी इस समय जेल में हैं या अस्पताल में पड़े हैं। तो लगातार हमारा अभियान जारी है, और एक नया अभियान हम लोगों ने चालू करा है कि पिछले एक वर्ष के दौरान जो अपराधी विशेष रूप से जो लुटेरे हैं हमारे, जो जेल से छूट आए हैं, चेन स्नेचर्स हैं, उनके वर्तमान गतिविधियों पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं कि जेल से छूटने के बाद अब वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो लोग गलत कार्यों में लिप्त हो गए हैं तो पुनः उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, दक्षिण सर्किल में कम से कम 2 दर्जन से अधिक चोरियां हो चुकी हैं, घरों में एक भी खुलासे के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, इसकी समीक्षा की जा रही है, और जो भी अपराधी हैं इन पर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी घटनाएं हुई हैं जल्द इनका खुलासा किया जाएगा। सर, तो ब्लैक लिस्ट नंबर डाल देती है यहाँ पर। समस्या होती है, अगर उससे बात करें तो